सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं, कुछ मतलब सिखाने नहीं, आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि गाइस पिक्सार टाइप में कुछ तीन ऐसी हिडन ट्रिक्स जिन्हें सीखने के बाद गाइस आप लोगों की जो एडिटिंग की क्वालिटीज है वो भी गाइस बढ़ जाएंगी। तो गाइस वो कौन सी तीन ट्रिक्स है वो मैं आपको आज इसी वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग जो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। एंड गाइस, उससे पहले अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि गाइस आप लोगों के एडिटिंग से रिलेटेड आप लोगों के लिए मैं इस चैनल पर वीडियोस डालता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड गाइस, अगर आप चाहते हो कि गाइस मैं आप लोगों को सभी एडिटिंग से रिलेटेड आप सभी को अपडेट पहले ही मिल जाए, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, क्योंकि गाइस मैं वीडियो लाने से पहले मैं पहले अपने इंस्टाग्राम में आप लोगों के सजेशन के हिसाब से वीडियोस लाता हूं। तो गाइस आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फिर आपको स्क्रीन पे यूजर नेम दिख ही रहा होगा। तो आप लोग यार 2 मिनट का काम है, इंस्टाग्राम पे जाके आप लोग एक बार सर्च कर लेना, आप वहाँ पे जाके अपने भाई को फॉलो भी कर सकते हो। बाकी अगर आपका कोई वहाँ पे क्वेश्चंस भी होंगे तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो एडिटिंग से रिलेटिव, तो मैं आपका जो वो क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो गाइस आप लोग वहाँ पे आके मेरे से पूछ सकते हो। तो बाकी चले गए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, जब आप कई बार आप लोग जब अपनी फोटो का एडिट करते हो एंड गाइस जब जो भी आप बैकग्राउंड वगैरह जो भी होता है आपका एडिट करने के लिए, उसमें गाइस क्या होता है कि कई बार जो है मतलब कि बैकग्राउंड में जब हम अपने मॉडल को ऐड करते हैं तो गाइस उसकी जो क्वालिटी है जो वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाती है। मतलब ये कैसे गाइस मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि गाइस मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड ऐड कर रखा है, तो अब इसमें मैं एक मॉडल ऐड करता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं आपको उसकी क्वालिटी दिखा देता हूँ मॉडल की, कि क्वालिटी हमारी जो मॉडल है उसकी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइज़ को थोड़ा बड़ा ही रखूँगा यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। तो मैं साइज़ ये रखूँगा। अब गाइस देखिए इसकी जो क्वालिटी दिख रही है, देख लीजिए गाइस एकदम मतलब कि कितनी अमेजिंग लग रही है अभी, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी, मतलब 7-8 MB की फोटो लग रही है अभी, ठीक है। तो अब गाइस हमने इसको जैसे ही डन करते हैं तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी जो फोटो एकदम KB में पहुँच चुकी है यहाँ पे, ठीक है, क्विकस्टार्ट में ऐसे करने के बाद। तो गाइस अब इसकी क्वालिटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो वो मैं आपको अब बताता हूँ कैसे करना, जो गाइस ट्रिक्स है वो ट्रिक क्या है, ठीक है। तो अभी आपको देखिए यहाँ से पहले डिस्कार्ड कर देते हैं इसे। अब यहाँ से गाइस हम प्लस पर क्लिक करेंगे, एडिट फोटो पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे गाइस बैकग्राउंड का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से जो है कोई भी बैकग्राउंड को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं वाइट वाला कर लेता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद जो भी हमने बैकग्राउंड लिया था गाइस हम उसको सेम वैसे जो मतलब बैकग्राउंड था जिसमें हमने फोटो का एडिट किया था उसी को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद जैसे ही आप इसको ऐड करोगे यहाँ पे गाइस देखिए पहले जैसे मतलब इस बैकग्राउंड में आपको मतलब इस तरीके की मतलब PNG लगा रहा हो जैसे उस तरीके से आपको ऐड कर देना है यहाँ पे एंड डन कर देना है, ठीक है। बाकी जो मतलब एक्स्ट्रा पार्ट जो है मतलब जो भी इसको आप क्रॉप कर लो या फिर जो भी है मैं जैसे छोड़ना चाहता हूँ वैसे छोड़ दो व्हाइट बॉर्डर के हिसाब से, ठीक है। बाकी मैं तो यहाँ पे क्रॉप कर लेता हूँ इसे। अब गाइस देखिए यहाँ पे क्वालिटी वगैरह आपको सब कुछ दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मॉडल को ऐड करता हूँ, ठीक है, आपको सब कुछ प्रूफ के साथ ही दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको कोई भी वो नहीं होगा। तो कि मतलब कि यहाँ पे जो देखिए अब यहाँ पे मैंने मॉडल को ऐड किया, अब यहाँ पे मैंने मॉडल को साइड से रख दिया। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्वालिटी देखिए, अब मैं इसको डन करूँगा जब इसकी क्वालिटी देखना। अब इसको डन कर दिया, अब गाइस देखिए क्वालिटी क्वालिटी में बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। अगर गाइस ये वाली ट्रिक अच्छी लगी तो इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है, ठीक है, तो यार एक लाइक जरूर करना। बाकी गाइस आप लोग क्वालिटी यहाँ पे देख लो, गाइस आपको सब कुछ दिख रहा है, मतलब कि 1% भी क्वालिटी को लॉस नहीं हुआ है। तो बाकी चलिए अब बढ़ते हैं एक दूसरे ट्रिक की तरफ। अब गाइस ये वाली जो ट्रिक है वो थोड़ी सी लंबी है, मतलब कि गाइस इसमें क्या है कि आपका जो काम होता है ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो इसमें जो गाइस है मैं आपको कुछ ही स्टेप में बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। आपका जो घंटों का काम है वो मैं मिनटों में करूंगा इसमें, ठीक है। तो देखिए गाइस जैसे गाइस आपको मैं कभी कहता हूँ कि मतलब कि जब बैकग्राउंड होता है उसमें जब गाइस हमें रिम लाइट क्रिएट करनी होती है तो गाइस उस टाइम में उसके इसमें क्या होता है कि आप लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रिम लाइट बनाने में, है ना। तो आपको जो है मैं बता दूँ कि यहाँ पे आप कुछ ही सेकंड में कैसे रिम लाइट बना सकते हो। जैसे गाइस देखिए यहाँ पे मैंने मॉडल को ऐड किया, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ पे इसके इसमें क्या है कि अब जो बैकग्राउंड में जो मतलब कि बैकग्राउंड है उस पर आप मेरे को रिम लाइट बनाना, मतलब कि वो वाला जो कलर टोन है मेरे को अपनी बॉडी में भी लगाना है कि ताकि जो फोटो है मेरी ज़्यादा रियल लगे। तो उसके इसमें क्या करते हैं यहाँ पे फोटो को डन करते हैं, ड्रो टूल में जाते हैं, और ड्रो टूल में जाने के बाद यहाँ से हम क्या करते हैं यहाँ से जो है मतलब कि जो मतलब बैकग्राउंड का जो हम पे कलर है उसको सिलेक्ट करते हैं पहले, एंड उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब क्या करते हैं यहाँ पे हम इसको इस पर ब्रश पर क्लिक करते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे जो है मतलब कि वो ओपेसिटी हार्डनेस कम करके जो है साइड में हम पेंट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कि जो है रिम लाइट हमारी जो वहाँ से बन जाती है, फिर बाद में जो है साइड में सब रेज करना पड़ता है। जैसे गाइस देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे गाइस देखिए हमारी रिम लाइट मान लो एक तरफ से, ठीक है, हम बना रहे हैं। अभी देखिए गाइस जिसमें जो साइड का जो एरिया है ना उसको हमें इरेज करना पड़ता है, मतलब कि खामा खाका में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रिम लाइट बनाने में। तो ये देखिए इस तरीके से, तो गाइस देखिए ये जो मतलब इतनी प्रोफेशनल लगती भी नहीं है, मतलब कि कई कई जो पार्ट है ना वो बॉडी के ऊपर से भी इरेज हो जाते हैं, तो इससे क्या है कि फेक लुक लगता है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है मतलब कि कुछ मतलब कि बिना क्वालिटी के लॉस करे बिना और आप लोग जो है रिम लाइट जो अपनी बॉडी में किस तरीके से ऐड कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले हम इसको डिस्कार्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब डिस्कार्ड करने के बाद देखिए गाइस यहाँ पे हमने इसको सब कुछ अंडो कर लिया, ठीक है। तो अब रिम लाइट बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है ड्रो टूल में। ड्रो टूल में जाने के बाद यहाँ से क्या करना है, आपको जाना है यहाँ से एक मतलब कि पहले एक लेयर देख लेना आपके पास है कि नहीं, ठीक है। तो वैसे तो एक लेयर होती है जब हमें ऐड करते हैं। तो अब गाइस इसमें ऐड फोटो में जाकर हम यहाँ से ऐड करते हैं अपने मॉडल को,
ठीक है। तो गाइस आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना है वीडियो को, आपको यहाँ पे मॉडल को ऐड करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे मॉडल को ऐड करोगे तो गाइस इसमें आपको रिम लाइट कैसे बनानी वो तरीका देख लीजिए आप यहाँ पे। तो पहले मैं इसका साइज इंक्रीज कर लूँगा ताकि जो है मतलब आपको अच्छे से दिख जाए इसमें, ठीक है। एंड उसके बाद जो मैं टैप करके इसको मैं कर दूंगा डन, ठीक है। अब गाइस देखिए बात आती है रिम लाइट की। अब क्या करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे एक बनाएंगे एम्प्टी लेयर, ठीक है। एम्प्टी लेयर बनाने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो है मतलब कि पहले बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट करेंगे जो कि हमें अब रिम लाइट में देना है, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब गाइस देखिए यहाँ पे जो हमें रिम लाइट का जो कलर देने के लिए अब क्या करना है, जो कि बाहर भी ना जाए और अंदर ही रहे कलर हमारे मतलब कि बॉडी के अंदर अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे ब्रश पे क्लिक करेंगे। ब्रश पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे ऊपर हार्डनेस जो बिल्कुल जीरो कर देंगे, साइज को इंक्रीज कर देंगे। अब देखिए गाइस जहाँ जहाँ पे हमें वो चाहिए रिम लाइट, अब वहाँ पे हम इसको इस तरीके से पेंट करेंगे, यानी कि पहले हम फोटो जूम कर दें इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम रिम लाइट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए गाइस अभी आपको लग रहा होगा तो बाहर की तरफ ही हो रहा है, बट गाइस अंदर की तरफ अभी कैसे करना वो मैं बता देता हूँ, एंड बाहर का जो हिस्सा है वो गैप कैसे करना वो भी बता देता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे अच्छे से पेंट कर लेता हूँ जहाँ जहाँ पे मेरे को रिम लाइट चाहिए, ठीक है। ये हमारी हो गई, ठीक है। इस तरह से मान लो रफली मैंने की है, बट गाइस देखिए अभी ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ तो अभी आपको रफली बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी लेयर और ऐड करेंगे। अब इसमें गाइस देखिए आपको जो क्या करना है, आपको गाइस जो आपका जो कलर था ना, ये जो मतलब कि आपने जो बैकग्राउंड से उठाया था उसी का कलर लेना है। यहाँ पे हार्डनेस को फुल कर देना है, उसी कलर को रहने देना है, ठीक है। कोई कलर चेंज नहीं करना है, साइज इंक्रीज कर लेना है। अब जो लेयर बनाई ना आपने, उस लेयर पर आपको पूरे में जो है यही कलर को आपको फील कर देना है, पूरे में फील कर देना है, ठीक है। अच्छे से मतलब एकदम अच्छे तरीके पूरा में, ओके गाइस। तो हमने यहाँ पे इतना कर लिया है। अब गाइस देखिए यहाँ पे अब आपको करना क्या है, अब देखिए गाइस जैसे कि यहाँ पे जो ये जो हमारा रिम लाइट है, अब पहले तो हम एक मॉडल का डुप्लीकेट भी बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो है पहले हमें डुप्लीकेट यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी लेयर हो जाएगी यहाँ पे। कॉपी लेयर होते के साथ ही आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप इसको कॉपी कर लोगे, यहाँ पे जो आपको एक मर्ज कर देना इन दोनों को, जो आपने रिम लाइट बनाई थी उसको एंड जो बैकग्राउंड बनाया था हमने उसको, अब उसको जो आप हम ऊपर वाली जो मॉडल है हम उससे यहाँ पे इसको मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो मर्ज कैसे करना है आप सभी को, आपको सिंपली जो मतलब थ्री डॉट्स पे आपको मर्ज नहीं करना है, पहले आपको उसको एक्स ओ आर करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स ओ आर करना है, नीचे वाली दोनों लेयर को बंद कर देनी है एंड यहाँ से जो आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको एक्स ओ आर कर देना है, ठीक है। तो आपके नीचे जो है बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके से इफेक्ट आ जाएगा। अब जाएगा जैसे आप इसको कर दोगे, अब इसको जो है आपको यहाँ पे कर देना है मर्ज, ठीक है। आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके आप इसको मर्ज कर देना है यहाँ पे, और कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। तो अभी हम इसको मर्ज कर लेते हैं यहाँ पे। अब गाइस जैसे मर्ज कर दोगे गाइस उसके बाद आपको फिर क्या करना है यहाँ पे, अभी देखिए गाइस जैसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, पहले आपको अपनी लेयर को जो यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है, जो जो आपकी लेयर थी। अब गाइस देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, अब गाइस आपको नीचे अपने ऊपर वाला जो मतलब आपका जो लेयर थी उसको आपको लेना है एंड इसके बाद इसको यहाँ पे जाके आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे आपको उसको एक्स ओ आर कर देना है, ठीक है। तो आपके बीच में जो है दो गैपिंग हो जाएगी, जहाँ जहाँ पे आपने रिम लाइट क्रिएट की होगी ना वहाँ पे एंड जो आपका मॉडल होगा वहाँ पे, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे जो एक गैप बन चुका है, ठीक है। मतलब आपकी रिम लाइट भी जो एक तरफ से बन चुकी है एंड बस बैकग्राउंड में जो रह गया है, ठीक है। मतलब आप जहाँ जहाँ तक रिम लाइट क्रिएट करोगे वहाँ वहाँ से जो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में क्या करना है, आप सभी को जो बाकी का जो हिस्सा है उसको वहाँ से रिमूव कर देना है और आपकी जो रिम लाइट है वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। एंड गाइस रिमूव करने से पहले आप सभी को एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी जो लेयर है वो मर्ज हो जानी चाहिए तभी अच्छे से रिमूव हो पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ मैंने इसको रिमूव कर लिया, मर्ज कर लिया था, अब हम इसको जो है साइड से फटाफट से इरेज कर लेंगे एंड बाकी अब बढ़ते गाइस अपनी हम तीसरी ट्रिक की तरफ। अब गाइस ये वाली जो लास्ट ट्रिक है जो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो इसमें गाइस देखिए क्या होता है कि जब कई बार हम जब अपनी फोटो को एडिट करते हैं एंड गाइस इसमें जब हम अपने मॉडल को ऐड करते हैं, जैसे गाइस मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड गाइस जब इसमें हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, जैसे कि मतलब गाइस मान लो मेरे को यहाँ पे ना अपनी जो मेरे कपड़े हैं इसको मेरे को यहाँ पे ब्लैक डार्क करना और डार्क करना, मतलब अभी ब्लैक ही है मेरे को और डार्क करना है, तो इस केसेस में क्या होता है जब हम यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह ये सब बढ़ा लेते हैं तो यहाँ पे जो हमें गाइस इसमें इरेज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। जैसे कि मतलब मेरे को फेस पे नहीं चाहिए तो अब मैं फेस पे से कैसे इरेज करूँ उसे, है ना। जैसे मेरे को क्लियरिटी बढ़ा दी तो मेरे को यार क्लियरिटी तो मेरे को मतलब अपनी फेस पे चाहिए थी, ड्रेस पे नहीं चाहिए थी एंड ह्यू का जो मतलब मेरे को कपड़े का कलर ब्लैक नहीं मेरे को व्हाइट चाहिए था तो मैं यहाँ पे व्हाइट कैसे करूँगा। तो मतलब यहाँ पे ये सब चीज़ें ना जो यहाँ पे हमें करने को नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करने का जो सही तरीका है ना वो कहाँ से मैं बताता हूँ आप सभी को कहाँ से करना है। तो पहले जो भी हमारी फोटो का जो भी साइज़ था हम उसको पहले वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे नॉर्मल थी हमारी फोटो वैसे ही कर ली हमने। अब गाइस देखिए ये सब करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको चले जाना है आर्टिस्टिक इफेक्ट में, उसके बाद वापस से आ जाना है कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप सभी को देख सकते हैं गाइस आपको यहाँ पे ना मतलब दो तीन फिल्टर मिल जाएंगे, जैसे कि देखिए ह्यू का ऑप्शन मिल गया आपको सबको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाएगा एंड ब्राइटनेस के बाद आपको एक कॉन्ट्रास्ट का भी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे तरीके के जो मतलब कि आपको वहाँ से एडजस्टमेंट से जो करते हो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। बट इसमें देखिए गाइस एक खासियत क्या है कि आप इसमें जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए मेरे को यहाँ पे मेरे को अपने कपड़े के ऊपर सिर्फ वो चाहिए डार्कनेस, ठीक है। जैसे मतलब कि मेरे को अपने कपड़ों को डार्क करना है यहाँ पे, तो उस केस में गाइस देखिए मेरा फेस भी डार्क हो रहा है तो मेरे को फेस पे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं इरेजर टूल में जाऊँगा इजिली एंड इरेजर टूल में जाकर मैं साइज़ को कम करूँगा एंड उसके बाद मैं इरेजर से लेके अपने फेस के साइड से इसको जो है मैं रिमूव कर लूँगा, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं हमारे सिर्फ ये फेस से रिमूव हो रहा है, बाकी जो हमारे ड्रेसेस वगैरह थी वहाँ पे बिल्कुल वैसे का वैसे ही जैसा हमने किया था जी, ठीक है। तो हमारे फेस से जो हमारा रिमूव हो चुका है,
ठीक है। तो गाइस देखिए ये वाली जो हमारी ट्रिक है ये भी मतलब कि बहुत हेल्पफुल है, अगर आप चाहो तो इस ट्रिक को भी यूज़ करके अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो एंड विदाउट एनी मतलब कि टेंशन के, आप मतलब कि आप कपड़ा मतलब कपड़ों का कलर और अपने फेस का कलर सब कुछ यहाँ पे ब्राइट कर सकते हो। तो गाइस यही थी हमारी आज की 3 ट्रिक्स जो कि गाइस आप सभी को कैसी लगी होगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यार, मेरे को काफ़ी मेहनत लगी यार इसको ढूंढने में, तो यार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी चले मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।